परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बसता है तो हम शारीरिक दशा में नहीं है, हम आत्मिक दशा में हैं। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बसना, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बसना, जब किसी मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा बसता है, शैतान का आत्मा बसता है, अंधकार का आत्मा बसता है, तो वो उसे पाप में ले जाता है, उसे बुराई में ले जाता है, उसे बीमारी में ले जाता है, उसे अंधकार के बंधन में ले जाता है और धीरे धीरे करके उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन कहता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। ये मनुष्य को देखना कि उसके अंदर किसका आत्मा बसता है और वो किसका मंदिर है। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हमारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है और जब परमेश्वर हमारे अंदर बसता है तो शैतान के काम क्यों करते हैं? ये हो नहीं सकता कि किसी के अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता और वो शैतान के काम करे। देखिए, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होता है तो वो आपको परमेश्वर की आराधना में लेके जाता है, परमेश्वर की बंदगी में लेके जाता है, परमेश्वर की महिमा में लेके जाता है। आनंद, प्रेम, शांति, दया, कृपा, भलाई, विश्वास, धीरज, नम्रता, संयम, ये सब आपके अंदर होते हैं। और जब शैतान का आत्मा आपको कायल करता है तो ईर्ष्या, झगड़ा, लड़ाई, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, ये सब आपके जीवन में आ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि पेड़ को उसके फलों से पहचान लोगे। आपका काम जो है आपके अंदर की बात बताते हैं कि आपके अंदर क्या बसता है। अंग्रेजी में बड़े स्कॉलर ने अंग्रेजी में ऐसे कहा कि तुम मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताओ, तुम मुझे अपनी आदतों के बारे में बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताता हूं कि तुम कौन हो। अगर आप मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताएंगे तो मैं आपके बारे में बता सकता हूं कि आपकी प्रवृत्ति कैसी होगी या आप कैसे व्यक्ति होंगे। यदि आप अपनी आदतों के बारे परंतु यहां परमेश्वर का वचन कहता है जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। अब देखना यह कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है, अगर नहीं बसता है तो कोशिश करना चाहिए कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा को हम बसाएं। एक वचन और पढ़ेंगे, 8:31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ये सोचना जरूरी है कि हमारी ओर है या नहीं है, परमेश्वर हमारी ओर है या नहीं है। यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसता है तो डेफिनेटली परमेश्वर आपकी ओर है, और यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। अब परमेश्वर का आत्मा को कैसे आप अपने अंदर बसा सकते हैं? सबसे पहले तो ये समझिए कि मैं हूं कौन। आपने अपने आप को समझना कि आप कौन है, फिर आपको ये जानना कि परमेश्वर कौन है। देखिए, ये बड़ी उलझन वाली बात हो जाती है कभी कभी लोगों के लिए कि कौन परमेश्वर है। हम सब जानते हैं, मानते भी हैं इस बात को, और सभी जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, जो भी महापुरुष हुए, सब बोलते हैं एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर तो है, लेकिन वो है कौन? जवाब मिलेगा, जी वही है जिसने हमें सांसें दी है। बिल्कुल सही बात है, उसने हमें सांसें दी है, वही हमें जिंदगी देता है। हम उसको पहचाने कैसे? जब मैं बहुत छोटा था, हो गई मन के अंदर कि वो सच्चा परमेश्वर है कौन, हम जिसकी आराधना करना चाहिए, हमें जिसकी सेवा करनी चाहिए, हमें जिसके नाम को महिमा देनी चाहिए, वो परमेश्वर कौन है। आप भी सब धार्मिक लोग हैं, हमारा देश धार्मिक भावनाओं के अनुसार चलने वाला देश है और हम सब लोग इन बातों को समझते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे संस्कारों में वो चीजें जुड़ी हुई हैं। हम जीव जब पैदा होते हैं तब से लेके जब तक बंदा मर नहीं जाता तब तक वो संस्कार, मरने के बाद भी वो संस्कार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी हम दुखी, परेशानी और मुसीबतों में रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि हम उसे जानते नहीं है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मनुष्य ने
मनुष्य की बुद्धि जब इतनी अंधी हो गई, इतनी अंधेरी हो गई कि उसने नासमान पशुओं को, नासमान मनुष्य को, चार पैरों वालों को, रेंगने वाले जीव जंतुओं को, उड़ने वाले परिंदों को परमेश्वर की समानता में बदल डाला और परमेश्वर समझ के सृष्टि को, सृष्टि कर्ता को समझ भूल गए और सृष्टि को परमेश्वर करके मानना शुरू कर दिया। सृष्टि कर्ता को भूल गए और सृष्टि को परमेश्वर करके करना शुरू कर दिया। यानी कि सीधे से शब्दों में कहावत है कि अपने असली बाप को भूल गए, उस पिता परमेश्वर को भूल गए और दिखने वाली चीजों को परमेश्वर करके बना डाला। मनुष्य की बुद्धि इतनी अंधी हो गई, लेकिन परमेश्वर ने अपनी ज्योति समय समय पे अपने लोगों के द्वारा इस संसार में चमकाई और उसने बताया कि देखो उस परमेश्वर की ओर देखो जिस परमेश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिस परमेश्वर ने तुम्हें सांसें दी हैं, जो परमेश्वर तुम्हारी सांसों का मालिक है, वो एक दिन लेखा भी लेगा आपसे। और वो जब लेखा लेगा तब वो देखेगा भी इसने कौन से काम किए हैं, इसने परमेश्वर की आत्मा के काम किए हैं या शैतान की आत्मा के काम किए हैं, और उसके अनुसार आपको प्रतिफल भी देने वाला है वो परमेश्वर। इसलिए मनुष्य समझ ले, अपने आप को जांच ले कि आप किसकी ओर होके चल रहे हैं। आइए उसी वचन को दोबारा पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 8:31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो फिर दुनिया में इतनी ताकत नहीं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ में खड़ा हो जाए। हो सकता है खड़ा हो जाएगा लेकिन आपका विरोधी नहीं बन सकता, बन भी जाएगा तो वो ज्यादा दिन चल नहीं सकता, क्योंकि जीत आपकी होगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका परमेश्वर आपके साथ रहता है। आइए मैं आपको थोड़ा सा बाइबल में और पीछे लेके चलूंगा, मेरे साथ निकालिए दूसरे राजाओं की किताब उसका 6 अध्याय। लेकिन इससे पहले एक वचन मैं और आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिलिपियों की किताब और उसका 4:13 भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम फिलिपियों की किताब 4:13 पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन ये कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हम विश्वास करते हैं और जानते भी हैं और ये हमारे जीवन का अनुभव भी है कि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आप जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी महिमा करने के लिए आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो असंभव बातों को संभव करता है, वो जिंदगियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यानी कि कुछ भी असंभव नहीं है। जो दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, जब वो आपको ताकत दे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, असंभव बातों को भी आप संभव कर सकते हैं। ये ताकत आपके अंदर होके काम करती है, असंभव बातों को संभव करना। हालेलुया, असंभव बातों को, असंभव बातों को बोलिए ना, असंभव बातों को संभव करना, संभव करना। आपको शायद अजीब सी लगती होगी मेरी बात, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ, दावे के साथ और चैलेंज के साथ बोलता हूँ, असंभव बातों को संभव करना। कब? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यदि वो परमेश्वर आपकी ओर है तो आप असंभव बातों को संभव करने की ताकत अपने अंदर रखते हैं। हालेलुया, यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आप असंभव बातों को संभव करने की क्या करते हैं, ताकत रखते हैं, असंभव बातों को संभव करने की सामर्थ्य रखते हैं। आइए दूसरा राजाओं की किताब में हम लोग जाएंगे, एक भविष्यवक्ता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, 8 वचन से लेके हम लोग पढ़ेंगे 6 अध्याय, दूसरा राजाओं की किताब 6 अध्याय और 8 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। अराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भगत ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहां आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भगत ने उसे चिताया था, दूध भेज
भेजकर अपनी रक्षा की और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उससे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता है, वह इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वह दोतान पे है। तब उसने वहाँ घोड़े और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। हाँ, बस यहाँ एक छोटी सी कहानी हम लोग पढ़ते हैं एलिशा के बारे में, जो परमेश्वर का डर मानने वाला, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। और आराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था, तभी आराम के राजा ने इज़राइल के राजा को घेरने की, उसको नाश करने की योजना बनाई और बताया कि मैं फलानी जगह में अपनी छावनी बनाऊंगा और जब इज़राइल का राजा यहां से निकलेगा हम उस पे चढ़ाई करेंगे या उसको इस तरीके से हम मंदिर बनाएंगे या उसको इस तरीके से हम घात करेंगे। लेकिन एलिशा जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, उसने पहले से जाकर इज़राइल के राजा को बता दिया कि देख, आराम का राजा ये सब कुछ करने वाला है। लेकिन अपने आप को बचाना जरूरी है। जब उसको मालूम हो गया और उसने परमेश्वर के सेवक की बात को मान लिया और उस जगह से वो सावधान हो गया जहां पे आराम का राजा छावनी बना के बैठा हुआ था। और परमेश्वर का वचन कहता है, दूत भेजकर अपनी रक्षा की और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार ऐसा हुआ और बहुत बार ऐसा हुआ। याद रखिए, जब आप परमेश्वर का नाम लेके चलते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो आपकी रक्षा करना परमेश्वर की जिम्मेदारी हो जाती है। परमेश्वर आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा करता है। आपके दुश्मन क्या योजना बनाते हैं, परमेश्वर पहले से आपको सावधान कर देता है। और यहां भी ऐसा ही हुआ, इज़राइल के राजा को पहले से सावधानी मिल गई, पहले से पता लग गया कि आराम का राजा जो है पुरानी जगह में अपनी छावनी लगा के बैठा हुआ है। आराम का राजा बड़ा घबरा गया कि मेरी सारी बातें उनको पता कैसे लग जाती है, हमारे बीच में कौन है जो जाके इज़राइल के राजा को सारी बातें बताता है। तब लोगों ने बताया कि उनके अंदर एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम एलिशा है और वो एलिशा सारी बातें, यहां तक सोने के कमरे में जाके भी जो बातें करता है वो सारी की सारी जाके इज़राइल के राजा को बता देता है। तो ये राजा बड़ा घबरा गया, आराम का राजा बड़ा घबरा गया। इसने बोला, इस भविष्यवक्ता को पकड़ो और अपने दूत भेजे, गुप्तचर भेजे और पता किया कि ये कहाँ है। तब पता लगा कि दोतान में है और इसने भारी दल को दोतान में भेज दिया और दोतान नगर को इन्होंने जाके रातों रात घेर लिया। याद रखिए, मैं ये बता रहा हूं कि जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। यहां भी सिर्फ यही नहीं, इज़राइली लोग जो परमेश्वर का भय मानते थे, जब जब उन्होंने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया, जब जब उन्होंने परमेश्वर का भय मानकर चलना शुरू किया, परमेश्वर को आगे रख के चलना शुरू किया, तो देश देश के राजा उनसे घबराते थे और पहले ही हथियार डाल देते थे उनके सामने। एक खास बात है, आखिर ऐसा क्यों होता था? इज़राइलियों के पास कौन सी ताकत होती थी? इतनी बड़ी सेना भी नहीं थी उनके पास, लेकिन फिर भी बहुत से राजा उनसे डर जाते थे। परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं तो पाते हैं उन्होंने वाचा के संदूक को सबसे पहले आगे रखा हुआ था। चार लोग, लेवी लोग राजा के संदूक को उठा के आगे आगे चलते थे, इज़राइल की सेना पीछे पीछे चलते थे और वो जहां जहां जाते थे राजा लोग डर जाते थे, देश घबरा जाते थे, बड़ी बड़ी सेनाएं घबरा जाती थी कि इनके आगे जो इनका परमेश्वर चलता है उसके सामने किसी और की नहीं चलती, सब उसके सामने हार जाते हैं। यहां पे आके रात को घेर लिया। वचन 15 को जब हम पढ़ते हैं,
भोर को परमेश्वर के भगत का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखा देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। जब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाती हैं और उसका आत्मा आपके अंदर बसता है, तो ये समझ लीजिए, दुनिया में आपका हाथ पकड़ने की किसी को ताकत नहीं है। दुनिया में आपके सामने ठहरने की किसी की ताकत नहीं है। लोग डरते हैं, दुष्ट आत्माओं से डरते हैं, छोटी छोटी बीमारियों से डरते हैं, समस्याओं से डरते हैं, लोगों से डरते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है और यदि परमेश्वर आपकी ओर है, तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। आपको किसी का डर मानने की, किसी का भय मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारी दुनिया को चलाने वाला परमेश्वर है। फिर आपकी हालत चाहे कैसे भी क्यों ना हो, आपकी स्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी हर स्थिति के ऊपर कंट्रोल करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी हर हालत के ऊपर कंट्रोल करता है, और वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। वो आपको कभी निराशा में नहीं रहने देगा। वो कभी आपको अकेलेपन में, परेशानी में, निराशा में, उदासी में परेशान नहीं होने देगा, क्योंकि वो कहता है कि उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि वो अपने लोगों को बचा ना सके, उसके कान इतने बहरे नहीं कि वो आपकी दुआ को सुन ना सके, उसकी आंखें अंधी नहीं कि वो अपने लोगों को देख ना सके। लेकिन होना यही जरूरी चाहिए कि परमेश्वर आपके अंदर बसना चाहिए, परमेश्वर आपकी ओर होना चाहिए। और यदि परमेश्वर आपकी ओर है, तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? यहाँ नौकर देख के डर गया, सेवक देख के डर गया, घबरा गया, अपने स्वामी के पास, एलीशा भविष्यवक्ता के पास जाता है और उसे कहता है, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? देखो, दुश्मन सेना ने हमें घेरा हुआ है और हमारे पास बसने के लिए कोई चांस नहीं है, क्योंकि चारों तरफ दुश्मन की सेना है। यहां एलीशा कहता है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। जब आप समस्या को देखते हैं, जब आप मुसीबत को देखते हैं, जब आप परेशानी को देखते हैं, जब आपके सामने बहुत बड़े एक विकट परिस्थिति खड़ी हो जाती है, आपके खिलाफ में लोग खड़े हो जाते हैं, आप अकेले होते हैं, वहां शैतान ये चाहता है कि आप डरें, आप घबराएं, और आप उस डर के साथ समझौता कर लेते हैं, उस बीमारी के साथ समझौता कर लेते हैं, हालात के साथ समझौता कर लेते हैं और बोलते हैं, बस अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं। आपका विश्वास टूट जाता है, आपका मनोबल टूट जाता है, आपको लगता है कि मेरे सारे रास्ते बंद हो गए। वहां परमेश्वर का रास्ता आपके लिए खुला है। वहां सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मत डर, मैंने तुझे चुना है, तू मेरा है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, तू अकेला नहीं है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। एक गीत गाते हैं ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। जब आपके अंदर परमेश्वर बसता है, तो आपके अंदर से आवाज आती है और आपके अंदर से दिलेरी आती है, आपके अंदर से ताकत आती है, आपके अंदर से बोलने की हिम्मत होती है और आप बोलते हैं, परिस्थिति तो मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरे साथ वो है जो इस दुनिया से बड़ा है, मेरे अंदर वो है जो इस दुनिया को बनाने वाला है, हमारे साथ वो है जो इस संसार में है, उससे बड़े हैं। आप कमजोर नहीं है जब आप यीशु के बेटे बेटियां बन जाते हैं, जब आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, आप कमजोर नहीं है, आप निराश मत होइए। शैतान चाहता है कि आप रोएं, क्योंकि जब आप रोएंगे तो शैतान हंसेगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप हंसे, परिस्थितियों के ऊपर हंसे, शैतान के ऊपर हंसे, बीमारियों के ऊपर हंसे, दुष्ट आत्माओं के ऊपर हंसे, तो शैतान रोएगा। याद रखिए, जब आप हंसेंगे शैतान रोएगा, जब आप रोएंगे शैतान हंसेगा। इसलिए परेशानियों के सामने रोना नहीं है, मुसीबतों के सामने रोना नहीं है, बल्कि ये याद रखना कि मेरा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने मुझे अब तक संभाल के रखा हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह आज मेरे साथ है, तो मुझे किसी परिस्थिति का डर नहीं है, मुझे किसी समस्या का डर नहीं है। यहाँ एलीशा कहता है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है
वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा, एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ पड़ा है। हालेलुया। जैसे आपकी सांसारिक आंखें होती है ना, वैसे आत्मिक आंखें भी होती हैं, और वो आत्मिक आंखें जो आत्मा में चलने वाले लोग हैं, जो आत्मा में जीवित रहने वाले लोग हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है, उनकी आत्मिक आंखें खुलती हैं। और जब आत्मिक आंखें खुलती है तो आत्मिक दुनिया को देखते हैं, और फिर आप देखते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके चारों तरफ स्वर्ग दूत आपकी सुरक्षा करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किए हुए। हालेलुया। आपके चारों तरफ स्वर्ग दूत परमेश्वर ने आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किए हुए हैं। आप अकेले नहीं है मेरे भाई बहन। जब आप परमेश्वर के बेटे बेटियां, जब आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आके बसता है, आप उस आत्मा के अनुसार चलना शुरू करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपके सामने ठहर नहीं सकती। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं, लोगों की जिंदगियों को परेशान करने के लिए लगे हुए हैं। लोग देखते हैं कि ये मेरे से ऊंचा बढ़ गया, चलो इसको बर्बाद करते हैं। लेकिन यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपको बर्बाद नहीं कर सकता कोई। यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपको परेशान नहीं कर सकता कोई। बस अपनी परेशानियों को ये कहना कि मेरा परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर हर परिस्थिति के ऊपर कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है, वो कभी अकेला नहीं छोड़ता। जो उसकी ओर देखते हैं उन्हें वो कभी लज्जित नहीं होने देता, उन्हें वो कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। परमेश्वर का वचन कहता है जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई। आप ज्योति में चलने वाले बन जाएंगे। 2021 आपके लिए यही कहता है। 2021 में परमेश्वर का वचन यही चाहता है, परमेश्वर यही चाहता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके अंदर वो है जो इस संसार में राज करने वाले से बड़ा है। बस जरूरत है उसको अपने जीवन में बसाने की, बस जरूरत है उसकी ओर देखने की। और जितने लोग उसकी ओर देखते हैं वो कभी लज्जित नहीं हुए। करीब करीब 2 साल पहले एक मरी हुई बेटी को मैं लेके गया हॉस्पिटल में। डॉक्टर के हाथों में उसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई उसकी। डॉक्टर कहता जल्दी से जल्दी 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 उठाओ। मैंने बोला मुझे 20 मिनट दे दीजिए। कहते भाई साहब 20 मिनट क्या, आप पूरा दिन इनको अपने साथ ही रखिए, इनको ले जाइए यहाँ से, इनका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कंप्लीट डेथ हो चुकी है इनकी। कंप्लीट डेथ कब होती है, 3 बातें होती है जब किसी व्यक्ति की कंप्लीट डेथ होती है। उसकी हार्ट बीट बंद हो जाती है, उसकी नब्ज बंद हो जाती है, उसकी सांसें बंद हो जाती है। अगर सांस बंद हो जाए, हार्ट बीट चल रही हो या नब्ज चल रही हो, फिर भी आदमी बच सकता है। अगर हार्ट बीट बंद हो जाए, सांस बंद हो जाए, खाली नब्ज चल रही हो, तब भी आदमी जिंदा रह सकता है। हार्ट बीट बंद हो जाए, नब्ज बंद हो जाए, खाली सांस चलती हो, तब भी आदमी जिंदा हो सकता है। लेकिन ये तो कंप्लीट डेथ हो चुकी है, इसका कुछ नहीं हो सकता। जल्दी से इसको उठाइए, नहीं तो फिर पोस्टमार्टम और ये वो उन बातों में पढ़ना पड़ेगा। हम 3 लोग थे, हमने बैठ के उसी में प्रार्थना किया, घुटने टेके। मैंने खुदा से बोला प्रभु मैं तो जिंदा को लेकर आया था यहाँ, मैं मरी हुई को लेकर नहीं जाऊंगा, मैं तेरा सेवक हूँ, इससे पहले तो मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे हाथों में ये सब नहीं कर पाऊंगा मैं कि जिंदा को लेके आया और मरे हुई जाके इसके बाप को दूंगा। प्रार्थना करते करते मैं यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु तो हमारी ओर है, मृत्यु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मौत इसका कुछ नहीं कर सकती, मुझे जीवन का आत्मा वापस चाहिए। और डॉक्टर मेरी तरफ देख रहा है, जीवन का आत्मा मांग रही है, क्या हो रहा है? मैं बोला प्रभु जीवन का आत्मा दे, इसकी पल्स वापस दे, इसकी सांसें वापस दे, इसकी हार्ट बीट वापस दे। और 20 मिनट ऐसे प्रार्थना करने के बाद 23-24 मिनट में वो लड़की एकदम से जिंदा होगी, रूम के बैठ गई। जल्दी जल्दी डॉक्टर ने सब मशीनें लगा के चेक करना शुरू किया। बाद में उसकी रिपोर्ट आई, कहता इसको तो कुछ बीमारी है ही नहीं। कुरुक्षेत्र के आरोग्य हॉस्पिटल में और अग्रवाल हॉस्पिटल में उनका लगातार इलाज चलता था। डॉक्टर बोलते थे हमारे बस की नहीं है ये, बस हम इंजेक्शन दे सकते हैं, कुछ समय के लिए इसका दर्द बंद हो जाए। उसके बाद वो कभी हॉस्पिटल में नहीं गई। एक दिन किसी और को लेके हॉस्पिटल में गए, उससे पूछा बेटा तुम कभी आते नहीं, आजकल दूसरा डॉक्टर मिल गया क्या तुम्हें, या कहीं और से इलाज करा? उसने बोला राजाओं के राजा से इलाज करा लिया, जो डॉक्टरों का डॉक्टर है। आपके अंदर वो बसता है जो सर्वशक्तिमान है।
बस पहचानना जरूरी है, जब आप उसको अपने जीवन में बसा के उसकी इच्छा के अनुसार चलना शुरू करते हैं तो आपके लिए हर एक असंभव बात को संभव करने की ताकत रखता है। आप हालातों को बदलने वाले हो सकते हैं, आप परिस्थितियों को बदलने वाले हो सकते हैं, और बहुत सी ऐसी घटनाएं मैं आपको बता सकता हूं जहां से रास्ता नहीं होता, हमारी गाड़ी वहां से निकल जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। जो साथ बैठे लोग हैं वो पूछते हैं, सर जी एक मिनट रोको तो सही, देखे तो सही कहां से निकले हैं, देखते हैं तो कोई रास्ता ही नहीं था उधर। तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ रहता है, और जब वो आपके साथ हो जाए तब आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं। याद रखिए, जहां लोगों के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, जहां दुनिया जवाब दे देती है, जहां पे वैद हकीम सियाने जवाब दे देते हैं, परमेश्वर वहीं से आपके लिए रास्ता निकाल देता है, परमेश्वर वहीं से आपके लिए रास्ता खोल देता है। इजरायली लोग देश से निकल के जा रहे हैं, रास्ते में समुद्र आ गया, लाल समुद्र जिसको पार करना बड़ा मुश्किल है, पीछे फिरौन राजा की सेना है। राजा बोलता है, मेरे देश को छोड़ के जा रहे हो, हमारा सब कुछ लूट के जा रहे हो, मैं जाने नहीं दूंगा, यहीं पे मारूंगा तुम्हें। इजरायली लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ सेना है, उधर जाएंगे तो भी मरेंगे, इधर जाएंगे तो भी मरेंगे, बचने का कोई रास्ता नहीं। मूसा मोसेस से उनकी अगुवाई करता है, उसके ऊपर चिल्लाने लगे, उसको बोलने लगे, क्या मिस्र देश में कब्रों की कमी थी जो हमें यहाँ मरने के लिए लेकर आया? वहां अच्छा था, कम से कम गुलामी में बदवा मजदूर होके तो जी रहे थे। मोसेस ने प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ने बोला, तेरे हाथ में जो लाठी है समुद्र की तरफ कर दे, और जैसे उसने अपनी लाठी को समुद्र की तरफ किया, समुद्र दो भाग हो गया, समुद्र दो भाग हो गया, और परमेश्वर ने बोला, चलो निकलो यहां से, समुद्र ने तुम्हारे लिए रास्ता दे दिया। एक बार और यरदन नदी को पार करना है, और यरदन नदी उन दिनों बड़े उफान पे चलती है, किनारे तोड़ के भी बहती है, वो लोग घबरा गए, अब इस नदी को कैसे पार करें, ये तो डूब के मरने वाली बात है, इस नदी में तो, ये नदी में तो पार करना मुश्किल है। परमेश्वर ने बोला, मेरा जो सदूक उठा के याजक चल रहे उनको बोलो आगे चलने के लिए। याजकों ने जैसे आगे चला, एक कदम यरदन नदी में रखा, पानी में रखा, तो पानी का जल ठहर गया, इतना तेज बहता हुआ जल ठहर गया, और वो सूखे सूखे में होके यरदन नदी को पार कर गए। वो कमजोर नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, बस जरूरत ये है कि आप उसको पहचाने और आप उसको अपने जीवन के अंदर बसाना शुरू करें, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसेगा तो आपको घबराने नहीं देगा, आपको हारने नहीं देगा, आप एक एक्स्ट्रा पावर को अपने जीवन में महसूस करेंगे, एक एक्स्ट्रा ताकत को आप अपने जीवन में महसूस करेंगे, और यह तभी संभव हो सकता है जब आप अपने दिल को खोल के उसे अपने दिल में बुलाएंगे।